हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं आयुष एक्सपर्ट एंटरटेनमेंट। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज हम करने वाले गेम अटैक एसएमपी का पार्ट टू का गेम प्ले। और आप पूछोगे कि पार्ट वन कहाँ गया, तो गाइस जिसको भी पार्ट वन नहीं पता है, जिसने भी मेरा लाइव स्ट्रीम नहीं देखा है, तो उन्होंने भाई बहुत कुछ मिस किया है। ये पूरा का पूरा आर्मर को मिस किया है कि मैंने कैसे कैसे ग्राइंडिंग किया है। तो आपको मेरे लाइव स्ट्रीम का क्या बोलते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लेना। वही है मेरा पार्ट वन और ये है उसका आगे का पार्ट टू। तो मैं आज बनाने वाला हूँ एक सीक्रेट बेस वगैरह तो कुछ ऐसा नहीं, पर एक अंडरग्राउंड चेस्ट रूम। मैं अंडरग्राउंड चेस्ट रूम बनाने वाला हूँ। और भाई ये देखो ये क्या हो गया, बिकॉज भाई यहाँ पर अभी मैं आया ही था यार वर्ल्ड में कि क्रीपर आया बगल में आके फट गया। भाई क्या बोले यार, मैंने वाटर डाला पर पता नहीं भाई वाटर थोड़ा लेट मैंने डाल दिया यार, फट गया। तो चलिए पहले इसे तो हम फिल करते हैं, उसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो पहले तो इसे फिल करते हैं यार, उसके लिए हमें चाहिए सवल ताकि हम डर्ट ला पाए। पर जो बगचा कुछ मतलब जो डर्ट मुझे अभी मिला है वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो जल्दी जल्दी करते हैं भाई, अभी तो इतना ही हो पाया। मैं और डर्ट लाने के लिए मुझे सवल बनानी है, तो सवल के लिए क्राफ्टिंग टेबल, अरे क्राफ्टिंग टेबल बना देते हैं भाई। हाँ क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल मेरे घर में भी है यार, क्या बोलूँ। यहाँ पर इसको ऐसे लगाते हैं, जल्दी जल्दी स्टिक को यहाँ पर रखे, स्टोन को यहाँ रखा, बन गया सवल। पहले ओके चेस्ट को हम रिटर्न लेते हैं और जल्दी जल्दी सवल को लेना स्टार्ट करते हैं। शिट, गेम लैग सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं अभी क्या हुआ। तो भाई जल्दी जल्दी हम सवल को माइन करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस हमारे पास डर्ट इतने तो हो गए, ये बहुत ही हो गए, ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली सही में। तो चलिए हम जल्दी जल्दी फिल करते हैं इसको और फिर उसके बाद हम अपना चेस्ट रूम का काम चालू करेंगे। और अरे यार ये हमारा कंप्लीट, तो अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। ओह ये क्या था, पता नहीं क्या था। तो मुझे चेस्ट रूम आई थिंक इस जगह पर बनाना चाहिए। हाँ यहाँ से हम नीचे जाएंगे, तो पहले तो हम जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं, यहाँ पर एरिया बनाते हैं। इतने आ गए भाई, चलते रहो भाई। डर्ट मेरे ख्याल से यहाँ पर लगा देना चाहिए एक, क्योंकि हमें स्टेयर्स जैसे मतलब धीरे धीरे नीचे जाना है जब तक ये डर्ट हट नहीं जाता। तो यहाँ से हमारा डर्ट अब नहीं आ रहा है, तो हम इसके नीचे माइनिंग करते हैं। इतना काफ़ी है और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा जैसा है, तो टॉर्च लगाते हैं। ओके आई थिंक इतना ठीक है, अब मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ इसको। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आई थिंक इतना तक पूरा सही रहेगा। ओके ऊपर का एक क्लियर हटा देते हैं इसे नीचे। ओके ओके और इसको भी तोड़ देते हैं। ओके अब ठीक है, और जल्दी जल्दी सीढ़ी को पूरा खाली करते हैं। मैं चारों तरफ सेम बनाना है, तो पहले मैं एरिया देख लेता हूँ। एक दो तीन चार पाँच, डन। तो हमें इतने इतने एरिया तक ये सब चाहिए। तो
तो चलिए जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। हमने अभी तक यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब इतना बाकी है। उसके बाद हम इस पूरे एरिया को एक एक लेयर और खाली करेंगे और उसके बाद पूरा एरिया हम वुड से बनाएंगे। तो पहले तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक टॉर्च। हमारा इतना एरिया कंप्लीट हो गया। अभी हमें बहुत मतलब इस वुड लेने। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पे 1, 2, 3, 4, 5 लगभग, हाँ पांचवा पूरा नहीं हुआ है, पर आई थिंक इतने में काम हो जाना चाहिए। तो पहले तो हम चलते हैं और कंप्लीट करते हैं जितना भी मतलब हो पाता है। सो लेट्स गो। तो गाइस हम यहाँ तक तो आ गए, अभी हम चलते हैं नीचे और कंप्लीट करते हैं इंटीरियर को। हमारे इंटीरियर की शुरुआत यहाँ से लेकर पूरी तरफ कंप्लीट की जाएगी। अरे ये ऊपर में एक एक ब्लॉक कैसे छूटे हुए हैं, इनको तोड़ना है, फिर इसके ऊपर लगेंगे वुड। तो चलिए पहले हम इनको भी हटाते हैं। तो हमने ये सब तो तोड़ दिया है, अब इसके नीचे भी एक एक लेयर टूटेगा, उसके बाद हम फिल करना शुरू करेंगे। पर पहले हम ऊपर वाला पूरी तरह से फिल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा ऊपर का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जल्दी से पहले नीचे वाला भी तोड़ते हैं, मतलब हटाते हैं ब्लॉक्स, और फिर उसके बाद नीचे से भी कवर करते हैं। सो पहले मैं इसको हटाता हूँ, फिर मैं कवर करना चालू करूँगा। तो गाइस मैंने पूरा का पूरा एरिया खाली कर दिया, अब हम ब्लॉक्स लगाना शुरू करेंगे यहाँ से। तो गाइस हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब हम गाइस पूरी का पूरा ये कंप्लीट करके आपको मिलते हैं थोड़े देर में। सो लेट्स गो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। जल्दी जल्दी हम टॉर्च को अच्छे से लगा देते हैं। यहाँ से भी टॉर्च उठाते हैं, यहाँ से भी टॉर्च उठाते हैं, और इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। अब ठीक है, इतनी रोशनी काफ़ी हो गई गाइस। और अभी हम चेस्ट बनाने के लिए जल्दी जल्दी क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं, और हमारे पास काफ़ी सारे वुड तो है ही। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे वुड के चेस्ट बनाते हैं। सो लेट्स गो। ओके, टोटल 21 चेस्ट बन जाएंगे, काफ़ी है, बहुत है भाई। लेट्स मेक 15।
एक बार लगा के देखते हैं इतने में काम हो गया तो ठीक है। एक्चुअली मुझे तो नहीं लगता कि इतने में काम होगा, पर ट्राई करते हैं। तो गाइस हमें अभी और चेस्ट बनाने की ज़रूरत है। अरे भाई क्या है भाई, तो हमें और चेस्ट बनाने होंगे। सो लेट्स गो। ओह शिट, आई थिंक इतने में नहीं हो पाएगा यार, मेरे को तो इतना पता ही है। ओके यहाँ पर डबल लग गया तो ये खुल तो जाएगा। और यहाँ पर मुझे और चेस्ट की ज़रूरत है, और मेरे पे वुड्स ख़त्म हो गए हैं, तो मैं आई थिंक कितने वुड्स का हम मिक्स करके बना सकते हैं, ट्राई करता हूँ। कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी वुड इकट्ठा करते हैं और फिर मैं आपको फिर से मिलता हूँ यहीं पे। गाइस मैं आ गया हूँ वुड लेकर के, तो जल्दी जल्दी हम चेस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ कचड़े फेंक देते हैं, पहले तो हम इनके प्लैंक्स बनाते हैं जल्दी जल्दी। इसको ऐसे रखते हैं, इसके कुछ प्लैंक्स बन गए और इसके भी बनाते हैं। ये मैंने ज़्यादा नहीं लाया क्योंकि आई थिंक अब तो काम हो ही जाएगा। चेस्ट बनाते हैं जल्दी जल्दी। ओके 13 चेस्ट, देखते हैं क्या हो पाता है। 12 चेस्ट बने हैं, तब जल्दी जल्दी हम लगाते हैं। तो गैस हमने फिर से, भाई बहुत दुख हो रहा है कि मैंने भाई वुड बार बार लाना पड़ा और 2 क्राफ्टिंग टेबल बन गए यार। 8 वुड की भाई बर्बादी, क्या बोले भाई, कितना मेहनत लग रहा है भाई। पता है भाई इतना चेस्ट रूम बनाने में जितना मेहनत लगा है, इतना मेहनत कोई अगर 2 या 3 क्लास का बच्चा भाई कर देता पढ़ाई में मेहनत, तो भाई वो तो अभी टॉप आ जाता भाई। क्या बोले भाई, हालत ख़राब है, हालत पंचर है, बहुत ज़्यादा पंचर है हालत यार। और ओके, और भाई क्रिएटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए बहुत जगह पर पॉज वगैरह किया है, तो हाँ क्रिएटिव करने का तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ना कि ये मेरा सर्वर है ना ही इसमें मैं ऑपरेटर हूँ, तो मैं क्रिएटिव नहीं जा सकता। तो ये तो बन गए। ऊपर वाला जेस्ट खोलेगा कैसे भाई बंदा? आई थिंक मैं इसे बाद में एक लेयर और बढ़ा दूँगा बाद में। तो गाइस बहुत मज़ा आया हमें, और हाँ चलो ऊपर से थोड़ा सा घेर देते हैं, डॉट से घेर देंगे भाई, मतलब बंद कर देंगे। 1, 2, 3 अब ठीक है भाई। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, बस काफ़ी है। अब चलते हैं भाई, मारा है ज़ॉम्बी, चल के पहले सो जाते हैं भाई। तो गाइस हमें आज बहुत मज़ा आया, और हमने आज बनाया चेस्ट रूम, और भाई कितना वुड लाना पड़ा आपने देखा ही, और भाई बहुत मेहनत की हमने। और भाई थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ऊपर वाला खुलेगा नहीं, तो उसे हम बाद में से कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना। मैं लाऊंगा ऐसे वीडियोज़ आपके लिए सबसे पहले, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।